Hello everyone, welcome to easyexamnotes.com and in Python programming. Till now we discussed the following topics. In this episode, we are going to discuss about functions in Python. So functions, first हम बात करेंगे C programming की. यदि हम C programming में देखें तो function कुछ इस तरह से होता है. ओके हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया. फंक्शन का नेम यहाँ पर क्या है? शो. और यहाँ पर मैं कोड को पुट कर देता हूँ, देट इज़ प्रिंट एफ. और यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग पास कर दी, देट इज़ जयेश उमरे. ओके अब यदि हमको फंक्शन को यूज़ करना है तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है फंक्शन कॉल. और इस फंक्शन को कॉल किस तरीके से करेंगे? कुछ इस तरह से. मीन जो फंक्शन का नेम है, फंक्शन के नेम की मदद से फंक्शन कॉल किया जाता है. लेकिन ये है सी प्रोग्रामिंग के अंदर. अब इसी फंक्शन को हम कन्वर्ट करके देखते हैं पाइथन के अंदर. यदि हम पाइथन में फंक्शन बनाएं तो हमको रिटर्न टाइप की जगह पे यूज़ करना पड़ता है डी ई एफ कीवर्ड. डेट मीन्स फंक्शन यहाँ पर डिफाइन किया जा रहा है. ओके एंड आफ्टर द फंक्शन नेम हमको यहाँ पर कॉलन का यूज़ करना पड़ता है. साथ ही पाइथन के अंदर कर्ली ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मैं कर्ली ब्रैकेट को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ. और हमको यहाँ पर लगाना पड़ता है इंडेंटेशन, मीन्स वाइट स्पेस. सो ये है फंक्शन पाइथन के अंदर. अब फंक्शन कॉल कैसे होता है पाइथन के अंदर? ठीक इसी तरीके से जिस तरीके से सी प्रोग्रामिंग के अंदर होता है. जस्ट आपको फंक्शन का नेम पुट करना है, फंक्शन कॉल हो जाएगा. सो जो फंक्शन हमने बनाया है, इसी फंक्शन को मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ, मीन्स इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ. सो मैं इस प्रोग्राम को सेव कर रहा हूँ डी ड्राइव में easyexamnotes.py के नेम से. इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं. सो यदि हम देखें हमको कोई आउटपुट शो नहीं हो रहा है, लेकिन कोई एरर भी नहीं है. डेट मीन्स हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है. लेकिन जो फंक्शन हमने बनाया था, इस फंक्शन को कॉल करना भी ज़रूरी है. मीन्स फंक्शन कॉल हमको यहाँ पर लगाना पड़ेगा. तो मैं यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर देता हूँ. इस प्रोग्राम को सेव करके फिर से हम चेक कर लेते हैं. यदि मैं देखूँ तो यहाँ पर प्रिंट हुआ है जयेश उमरे. मीन्स ठीक उसी तरीके से वर्क कर रहा है जिस तरीके से सी प्रोग्रामिंग में फंक्शन वर्क करता है. आपको फंक्शन को यहाँ पर बनाना है और फंक्शन को कॉल भी करना है यूज़ करने के लिए. क्योंकि जो जयेश उमरे प्रिंट हुआ है, एक्चुअली वो था कहाँ पर? शो नाम के फंक्शन में, इस जगह पर. डेट मीन्स यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग प्रॉपरली हो चुकी है. लेकिन सी प्रोग्रामिंग में हमने एक चीज़ और स्टडी की थी, वो था पैरा मटेराइज फंक्शन. डेट मीन्स जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं, पैरामीटराइज फंक्शन में क्या होता है कि हम यहाँ पे एक पैरामीटर पास करते हैं. जैसे मैं यहाँ पास कर देता हूँ नेम नाम का पैरामीटर. वो प्रिंट में हमने एक स्ट्रिंग पास की थी, अब मैं यहाँ पर इस वेरिएबल को पास कर देता हूँ जिसका नेम है नेम, या फिर मैं इसको कर देता हूँ एफ नेम. अब इस केस में क्या होगा, जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे, यहाँ पर जितने पैरामीटर है उतने आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा. यहाँ पर वन पैरामीटर है, एफ नेम नाम का एक आर्गुमेंट मैं यहाँ पास कर देता हूँ. यहाँ मैंने पास कर दिया जयेश. अब इस प्रोग्राम को सेव करके हम आउटपुट चेक कर लेते हैं. यहाँ पर हमको आउटपुट में मिल गया जयेश. मीन्स सेम वही कॉन्सेप्ट है जो सी प्रोग्रामिंग के अंदर हम स्टडी कर चुके हैं. या फिर हम जावा बोल सकते हैं, शीशा बोल सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर. अब मैं यहाँ पर टू पैरामीटर देता हूँ, वी आर वन एंड वी ए आर टू. यहाँ पर टू वेरिएबल्स हमने बनाए. और प्रिंट के अंदर हम क्या करते हैं, वी ए आर वन प्लस वेरिएबल टू को हम आपस में सम कर देते. अब जब भी हम शो नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमको एक आर्गुमेंट नहीं बल्कि यहाँ पर टू आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा. मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ टू एंड नाइन. अब देखते हैं कि आउटपुट क्या मिलता है. तो हमको यहाँ पर सम मिल गया 11. यदि फंक्शन में टू पैरामीटर्स है तो कॉल करने के टाइम टू वैल्यू पास करना पड़ेगी. अब यदि मैं वन वैल्यू पास करता हूँ तो देखते हैं कि हमें कौन सा एरर मिलता है. हमको यहाँ पर एरर मिल रहा है मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट, डेट इज़ वेरिएबल टू. सो ये जो टू है ये हमारा गया वेरिएबल वन के पास. अब इसके लिए हमको आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉमा करके सेकेंड वैल्यू देना पड़ेगी.
अब मैं यहाँ पे सेम नेम के मोर देन वन फंक्शन बनाता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे एक शो नाम का फंक्शन बनाया था, एक फंक्शन और बनाते हैं। ओके, इस बार हमने यहाँ पर 3 वेरिएबल क्रिएट किए, यहाँ पे वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2 प्लस वेरिएबल 3। अब यदि मैं यहाँ पर कॉल करूँ 3 आर्ग्यूमेंट के साथ में या फिर 2 आर्ग्यूमेंट के साथ में, देखते हैं कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ऊपर वाला या फिर नीचे वाला। अगर सी प्रोग्रामिंग होती तो डेफिनेटली ये वाला फंक्शन कॉल होता। यदि हम देखें तो हमको यहाँ पर कुछ एरर मिल रहा है, मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, डेट इज वेरिएबल 3। तो ऐसा है क्या? बिकॉज इस शो फंक्शन जिसको हमने कॉल किया है, नियर बाय फंक्शन ये वाला है, दैट मीन्स उसने इसको यूज़ किया हो। अब मैं इनकी पोजीशन चेंज कर देता हूँ। यहाँ से मैंने हटा के 2 पैरामीटर वाले शो फंक्शन को यहाँ पर रख दिया। अब देखते हैं कि इसके अंदर एरर आता है क्या। देखे तो आउटपुट में कितना आ गया, 5। इसका मीनिंग ये है कि हमको फंक्शन के ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ेगा पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। अब मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। जो वेरिएबल 1 है इसको मैंने नेम दे दिया एफ नेम, मीन्स फर्स्ट नेम, और इसको हमने नेम दे दिया एल नेम। यहाँ पर 2 आर्ग्यूमेंट आ जाएंगे, दैट इज एफ नेम प्लस, हमने यहाँ पर डबल कोट करके स्पेस दे दी, और यहाँ पर हमने पुट कर दिया एल नेम। ओके, अब जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम यहाँ पर की और वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं, की एंड वैल्यू, जो कि हम डिक्शनरी में स्टडी कर चुके हैं पाइथन के अंदर। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि जब शो नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे, सो हमने यहाँ पर एफ नेम इक्वल्स टू पुट कर दिया जयेश, और हमने एल नेम इक्वल्स टू पुट कर दिया उमरे। हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज़ किया है की एंड वैल्यू का। देखते हैं कि प्रोग्राम का आउटपुट हमें क्या मिलता है। हमें आउटपुट कुछ इस तरह से मिल रहा है, जयेश उमरे। ओके, अब मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। एल नेम को हम फर्स्ट देते हैं और एफ नेम को सेकंड पैरामीटर में पास कर देते हैं। कुछ इस तरह से मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया। ओके, अब हम देखते हैं कि आउटपुट क्या मिलेगा हमको। सेम मिल रहा है, जयेश उमरे। मीन्स हमने यहाँ पर यूज़ किया है की का, मीन्स जो पैरामीटर हमने दिया था, जो वेरिएबल हमने दिया था, उसको एज ए की वैल्यू के कॉन्सेप्ट में हमने यहाँ पे यूज़ किया है। अब हम डिस्कस करेंगे कि एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स किस तरह से फंक्शन में पास करें। हमें कुछ नहीं करना है कि जब भी हम पैरामीटर बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने वैल्यू नाम का एक वेरिएबल यहाँ बनाया, हमें वैल्यू के आगे पुट करना है स्टार, या फिर सिंपल इसको मैं नेम दे देता हूँ ए। ए के आगे हमने क्या लिखा, स्टार। डेट मीन्स अब हम वरी फ्री है। जब भी हम शो नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं कितने आर्ग्यूमेंट है, आपकी इच्छा, जितने की आपको नीड है उतने हम दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे जेएस दे दिया, देन 10 पास कर दिया, देन मैंने यहाँ पर पास कर दिया उमरे, देन मैंने यहाँ पर पास कर दिया इंदौर। मीन्स हमने यहाँ पे कितना आर्ग्यूमेंट पास किए, 4। यदि हमारी नीड होती तो हम 10 आर्ग्यूमेंट भी पास कर देते, बिकॉज यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। बिकॉज अगर ए के आगे स्टार नहीं होता तो ओनली 1 आर्ग्यूमेंट आता, बट ए के आगे स्टार है मीन्स एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट यहाँ पर आ सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर प्रिंट कैसे करें ए को। तो सिंपल मैं यहाँ पे ए को भी रख देता हूँ, देखते प्रिंट होता है कि नहीं। यहाँ पर हमको मिल गया है जो भी वैल्यू हमने आर्ग्यूमेंट के अंदर दी थी। अब यदि हमको ओनली उमरे प्रिंट करना है तो हमको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्स नंबर। सो हम जयेश के लिए 0 लेके चलते हैं, 10 के लिए 1, उमरे के लिए 2। तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से यूज़ करता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट में 2, देखते हैं उमरे प्रिंट होता है कि नहीं। यदि हम देखें तो यहाँ पर उमरे प्रिंट हो रहा है। अभी तो हमने सिंपल वैल्यू के लिए यहाँ पर यूज़ किया है, हम की के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैंने ए के आगे डबल स्टार लगा दिया है, डेट मीन्स एनी नंबर ऑफ की हम बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बनाई नेम नाम की, यहाँ पर हमने पास कर दिया जयेश।
या फिर मैं इसको चेंज करके एफ नेम कर देता हूँ। और यहाँ पर मैंने नंबर नाम की बनाई और यहाँ पर हमने पास कर दिया 10। यहाँ पर मैंने एल नेम नाम की बनाई और उसमें हमने पास कर दिया उम्रे। यहाँ पर मैंने सिटी नेम की बनाई और उसके अंदर हमने पास कर दिया इंदौर। यदि हम देखें तो हमको आउटपुट कुछ इस तरह से मिल रहा है। सो दिस इज़ वन मोर वे कि हम एनी नंबर ऑफ कीज़ को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। एक फंक्शन के अंदर हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ए नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और ए इक्वल्स टू मैंने यहाँ पर पास कर दिया 10। ओके, अब जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, अगर मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल करने के टाइम वैल्यू देना भूल जाता हूँ तो कोई इशू नहीं है। अगर मैं यहाँ पे रन करूँगा सो यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया 10। ओके, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने यहाँ पर दी थी वो वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी ओके प्रिंट। अब यदि हमने यहाँ पर कोई दूसरी वैल्यू दे दी, डेट इज़ मैंने यहाँ पास कर दिया 14। ओके, सो इस टाइम यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है 14 और डिफ़ॉल्ट वैल्यू में यहाँ पर क्या था 10। हमने सी प्रोग्रामिंग के अंदर देखा था कि फंक्शन वैल्यू रिटर्न भी करता है। फॉर एग्जांपल अगर इस टाइप का फंक्शन होता ओके तो कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पर ये रिटर्न करता। तो क्या पाइथन में भी कोई फंक्शन ऐसा होता है जो वैल्यू रिटर्न करे? हम करके देख लेते। अब यहाँ पर हम लोग एक फंक्शन बना रहे हैं शो नाम का। यहाँ पर हमने पैरामीटर दे दिया ए। अब ये फंक्शन रिटर्न करेगा वैल्यू को, डेट इज़ ए इंटू ए। अब हम फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। फंक्शन के पैरामीटर में मैंने पास कर दिया 2। हमें पता है कि आउटपुट 4 आने वाला है, लेकिन आउटपुट को व्यू करने के लिए हम प्रिंट स्टेटमेंट का भी यूज़ कर लेते हैं। इस प्रोग्राम को सेव करके आउटपुट चेक कर लेते हैं। यदि हम देखें तो आउटपुट कितना आ रहा है 4। डेट मीन्स पाइथन के अंदर रिटर्न टाइप का फंक्शन होता है। और जिस तरह से सी प्रोग्रामिंग के अंदर हम किसी फंक्शन के अंदर ओके फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं, हम लोग व्हाइल लूप का यूज़ कर सकते हैं, हम लोग इफ कंडीशन का यूज़ कर सकते हैं, इवन हम अदर कोड को भी फॉर लूप के अपने फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से पाइथन के फंक्शन के अंदर भी हम इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। वैसे फंक्शंस में हम और भी बहुत कुछ डिस्कस कर सकते हैं जो कि हम फ्यूचर एपिसोड्स में देखेंगे। हमारी नीड के अकॉर्डिंग ओके जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट होगी उस चीज़ को हम फंक्शन में डिस्कस करेंगे। इन नेक्स्ट एपिसोड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अरे इन पाइथन। नाउ क्वेश्चन फॉर यू, क्वेश्चन नंबर 1। इन पाइथन def कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन अ फंक्शन, यस और नो? सेकेंड क्वेश्चन, def hi *d, सो इन अबव कोड स्टार मीन्स व्हाट? नाउ क्वेश्चन नंबर 3। एक कोड हमको दिया गया है और हमें यह बताना है हाउ अबो कोड डिफर देन कोड यूज इन क्वेश्चन नंबर 2। सो प्लीज़ कमेंट योर आंसर्स एंड हेल्प अदर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।